नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। समय से पहले तेज गर्मी और कुछ राज्यों में आंधी के साथ बेमौसम बारिश ने आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते हाफूस और दशहरी और केसर तीनों प्रमुख आम की पैदावार करीब आधी रह सकती है। सीजन के शुरुआती दौर में इसके संकेत मिलने लगे हैं। आवक बेहद कम है, लिहाजा दाम पिछले साल से करीब डेढ़ गुना है। इस महीने के अब तक देश भर में हर तरह के आम के औसत दाम पिछले साल से 42% से ज़्यादा है। वहीं थोक मंडियों में रत्नागिरी की एक पेटी आम की औसत कीमत अभी 1200 रुपये से 1500 रुपये है, जबकि पिछले साल इस समय दाम 700 से 800 रुपये थे। दिल्ली के थोक व्यापारियों के मुताबिक अभी पिछले साल के मुकाबले मोटे तौर पर 10 गुना आम कम की आवक हो रही है, इसके चलते दाम बढ़ गए हैं। वहीं हाफूस काफ़ी महंगा बिक रहा है। हाफूस के दाम वजन के हिसाब से होते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड 270 से 325 ग्राम आम की है। वहीं इसके दाम अभी औसतन 200 रुपये प्रति दर्जन से ज़्यादा है। वहीं दशहरी आम के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से आम की फसल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इस साल 60% कम बोर आया है। वहीं समय से पहले प्रचंड गर्मी की वजह से बड़े पैमाने पर आम के छोटे फल सूखकर झड़ भी गए हैं। ऐसे में दशहरी जैसे आम का कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम रह सकता है। वहीं इस साल ज़्यादा गर्मी के कारण कच्चे आम गिर रहे हैं। इसके चलते बाजार में सिर्फ 35 से 40% फल उपलब्ध होंगे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।